अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक पब्लिक रिएक्शन चैनल यूट्यूब पे चला रहे हो या फिर आप इस तरह का एक चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी भी दिक्कत का सामना या किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक रिएक्शन चैनल की। तो जब भी आप एक पब्लिक रिएक्शन चैनल कोई भी बंदा स्टार्ट करता है यूट्यूब पे तो वो वीडियोस लेता है किसी और की और उस पर अपने रिएक्शंस देता है। देखें, जब आप यूट्यूब पे ऐसा चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है यूट्यूब ने ग्रीन स्क्रीन जो है शॉर्ट्स पे अपनी वीडियोज बना सकते हैं। यूट्यूब ने खुद से ये ऑप्शन दे दिया है, अगर आप वीडियोज वहाँ से किसी भी बंदे की वीडियो बनाना चाहते हो, उसको अपनी वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल बाद में मोनोटाइज भी हो जाए तो उसके लिए आपको कुछ YouTube की पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो पब्लिक रिएक्शन चैनल बना लेते हैं लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो चैनल होता है वो डीमोनोटाइज होता है। ठीक है, या फिर मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो मोनेटाइजेशन इसकी ओन होती नहीं है क्योंकि वो दूसरों का मवाद जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप भी इस तरह का एक चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको हमेशा, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन वीडियोस पे वीडियोस बनाते हैं लोग, तो उस पे या तो अपना छोटी सी पिक्चर लगा देते हैं या फिर जो है वो सिर्फ पिक्चर में आके ऐसे स्माइल दे देते हैं या फेस से कोई रिएक्शन दे देते हैं और बोलते बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी वीडियोस क्रिएट नहीं करनी है। जब आप एक वीडियो देख रहे हो तो आपको उसका अच्छा बुरा, उसमें आपने क्या देखा, क्या था क्या नहीं था, कुछ ना कुछ अपनी राय कुछ लाजमी तौर पे बोल के शुमार करना है। ठीक है, और अपनी वीडियो को जो है बिल्कुल वाजिया बड़ा करके लगाना है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, उसको पता चलेगा यार ये बंदा जो है वो चैनल को चला रहा है, मतलब आपके साथ फेस बाय कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, रबते में आ जाएगी। दूसरे नंबर पर ये होगा कि YouTube को इस चीज की समझ आएगी कि आपने अपनी वीडियोज में कुछ किया है। तो इसी तरह से अगर आप लॉन्ग वीडियोज को भी यूज करते हो तो उसको बहुत एहतियात के साथ यूज किया जाता है। उसमें 70% जो होता है वो आपका अपना मटेरियल होना चाहिए, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो को यूज कर रहे हो तो आपकी ऑडियो मैक्सिमम अपनी होनी चाहिए। आपका कहीं ना कहीं आप अपने फेस को शो करवाओ, बेशक जो है वो छोटी सी वीडियो क्रिएट करके साइड पे रख दो। तो इस तरह से आपको अपनी वीडियोस को, अपनी जो है अपनी वॉइस को, अपने चेहरे को लाजमी तौर पर रिकॉर्ड करवाना है, अदरवाइज जो होगा आपका जो चैनल होगा वो मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी चीज़ की वीडियोस डाल देते हैं, जैसे घूमते फिरते किसी भी चीज़ की वीडियो, किसी हादसे की वीडियो शूट कर ली या किसी इवेंट की वीडियो शूट कर ली घूमते फिरते, तो अगर वहाँ पे भी आप अपनी मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं करते हो, अपना रिएक्शन नहीं देते हो, लोगों को खुद से कुछ बताते नहीं हो, फंक्शन है कुछ भी है उसके बारे में, तो आपको ऐसी वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। मे बी आप एक पब्लिक जनरेट कर लो, व्यूवर्स जनरेट कर लो, लेकिन जो है आपका जो चैनल यूट्यूब का होगा वो मोनेटाइजेशन उसकी ओन होना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी टिप थी जो लोग जो इस तरह की वीडियोस या इस तरह के चैनल्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।